हरी मिर्ची को रायता। गाइस देखिए हरी मिर्ची का भट्टे का बनेगा रायता, तो उसके लिए हरी मिर्ची और भट्टा, हरी मिर्ची और भट्टे। देखिए भट्टे को भून लिया है और इस तरह भून लिया, उबाल लिया है। अच्छा उबाल लिया है और ऐसे दोंच के, हाँ, और इस तरह से सिल्लुड़िया पे इसको ज्यादा भारी इस तरह से कुचल लेंगे, दोंच लेंगे कुचल कुचल के इस तरह से। और ये इस तरह से चटनी को इसलिए तैयार करते हैं ना, ऐसे करेंगे चटनी मैस के करी। तो गाइस देखिए, तो अभी सब्जी इसकी रायता बन, रायते में डालेंगे इसको, है ना, और हाँ। तो देखिए गाइस ऐसे ऐसे पूरा पीस कुचल लेंगे और आगे का बताएंगे आपको, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। तो गाइस आप देखिए और जी लगाएंगे जी, मई के अंदर सब कुछ डाल दिया है मम्मी ने। क्या क्या डाल दिया इसमें? मैंने हरी मिर्ची वही पीसा, वो हरी मिर्ची भटा, हाँ? बैगन और मई और हल्दी, अब इसमें जीरे और राई, जीरे राई को उसमें डाल दिया है। इसको ऐसे मिला लेंगे, चटपट कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए लग गया है ताजा, तैयार जीरे का लग गया इसमें। देखिए गाइस बघारा एक नंबर, बहुत अच्छी खुशबू आई है अभी इसमें से। ये हो गया है भट्टे वाला, मिर्ची वाला, जीरे वाला रायता बिल्कुल तैयार, देसी और टेस्टी स्वादिष्ट। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और ये हो गया रेडी, लगभग रेडी है, क्योंकि 5 मिनट और पकाएंगे इसको। थैंक यू गाइस, आप सीख के चुके हैं रायता बनाना। अभी नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं।